हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। ऋतिक ने किसके लिए लिखा ये अनोखा कमेंट? सबा के फैंस के लिए क्या है खुशखबरी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इन दिनों सबा आजाद और ऋतिक रोशन के रिश्ते से शायद ही कोई अनजान होगा। दोनों की प्रेम कहानी के बारे में कुछ महीने पहले ही पता चला था। दोनों एक रेस्टोरेंट में बाहर निकलते हुए नजर आए थे। इसके बाद से ही दोनों कई बार साथ स्पॉट हो चुके हैं। यहाँ तक कि सबा आजाद ऋतिक रोशन के परिवार के साथ भी नजर आ चुकी हैं। वो उनके घर भी गई थी। सबा एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी है, इसलिए जब सबा अपने कॉन्सर्ट की फोटो शेयर करती है तो ऋतिक का हौसला अफजाई का मैसेज जरूर आता है। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबा आजाद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खबर शेयर की है कि वो इंडियन इमिग्रेशन ड्रामा मिनिमम में नजर आएंगी। इसमें एक फोटो भी है जिसमें फिल्म के बाकी एक्टर्स भी हैं, लेकिन इन पोस्ट को खास बना दिया ऋतिक रोशन के एक कमेंट ने। सबकी नजरें इस पोस्ट से ज्यादा उनके कमेंट पर हैं। उन्होंने लिखा है, हे तुम इसमें धमाल मचा दोगी। सबा स्टारर इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू होगी। फिल्म में एक नए शादीशुदा जोड़े फौजा और अली की कहानी होगी जो इंडिया से बाहर है, लेकिन यहाँ पर लड़की पीड़ित दिखाई जाएगी जिसे अपनी सास से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और उसका पति उस पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार फौजा घर से बाहर कदम रखेगी और उसकी किसी और से दोस्ती होगी। वैसे बात करें सबा की तो वो पिछली बार सोनी लिव की वेब सीरीज रॉकेट बॉयज में नजर आई थी। उन्होंने होमी भाभा की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया था। आपको बता दें ऋतिक अपनी अगली फिल्म क्रिश 4 में सबा को देखना चाहते हैं लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन इस पर सबा ने कुछ नहीं कहा है अभी तक। बता दें क्रिश 4 की शूटिंग जल्द राकेश शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऋतिक अपनी फिल्म विक्रम वेदा की शूटिंग में अभी बिजी हैं, तो इसलिए वो क्रिश 4 की शूटिंग शुरू नहीं कर पाए थे। आपको बता दें इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और बेसब्री से ऑडियंस इसका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं क्रिश 4 के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।